मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद में आकर अपनी पत्नी और दो बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद उनकी लाश को घर के बरामदे में ही दफन करके बड़े ही आराम से उसी घर में रह रहा था। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये वहशी वही है। इसका नाम है सोनू। 33 साल का सोनू तलवाड़ी रतलाम जिले की विंध्यवासिनी कॉलोनी में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रह रहा था। पहली पत्नी के साथ सोनू का विवाद चल रहा है। इन्हीं विवादों की वजह से सोनू हत्यारा बन बैठा। उसने पहले कुल्हाड़ी से अपनी बीवी को मारा, उसके बाद दो बच्चों की भी हत्या कर डाली। हत्या के बाद घर के आंगन में ही 3 से 4 फीट का गहरा गड्ढा खुदवाया। इसके बाद उस गड्ढे में अपनी बीवी और दोनों बच्चों को गाड़कर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात में सोनू का साथ दिया उसके दोस्त बंटी ने, लेकिन सोनू की ये वहशियाना हरकत ज्यादा समय तक छुप नहीं पाई। सोनू का पूरा परिवार गायब था। पड़ोसियों को इस बात पर शक हो गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जनों से पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है, जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है। मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है, जिससे उसके दो बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र क्या है सर? दोनों बच्चों की उम्र, एक बालक है जो 7 साल का था और एक बालिका है जो लगभग 3.5-4 साल की है। किस तारीख को हत्या की थी सर इसने? तारीख के बारे में आरोपी अभी स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है इन्फॉर्मेशन। उसकी हम लोग डिटेल और निकालेंगे और सारी चीज़ों से स्पेसिफिक डेट तक आएंगे। अभी वर्तमान में उसके द्वारा इतनी ही जानकारी निकली है, आगे और भी इसमें गहनता से पूछताछ होगी। नॉर्मल था, वो पूरे ड्यूटी पे जाया करता था, लोगों से मिला करता था, क्या माइंडसेट क्या था और कहां से सीखा उसने? ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस निकल कर आया है। इनफैक्ट इसमें एक ये भी चीज़ निकल कर आई है कि आरोपी के द्वारा संभवतः, जैसा उसने स्वयं ही स्वीकार किया, कि उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के लिए मूल रूप से अपनी पहली पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मानसिक रूप से, और जिस कारण से वो इस प्लानिंग में भी था कि किसी तरह से पहली पत्नी से भी संपर्क हो और उस पर भी वो प्रहार कर सके या उसको भी जानलेवा हमला कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वयं ही स्वीकारा है कि एक दो बार उसने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन अभी उसके हम लोग आगे के साक्ष्य जो हैं, उसने उस प्रयासों के लिए यदि कोई बातचीत की होगी या कभी किसी जगह गया होगा, तो वह सभी चीज़ें हम लोग और डिटेल में निकालेंगे। ये सभी प्रारंभिक पूछताछ में आई हैं चीज़ें और पूरी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है इसमें लगी हुई है। गिरफ्तार कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी की शिनाख्त पर ही यहाँ पे उसकी निशादेही पर उस स्पॉट की खुदाई हुई थी और वहाँ से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने ही ये सभी चीज़ें बरामद हुई। इसके साथी जो था, इसका जो साथी था जिसने शवों को दफनाने में और साक्ष्य छुपाने में मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का समय क्या रहा होगा? लगभग घटना का समय सुबह 6 से 7 के बीच का बताया जा रहा है, पर आरोपी अभी दिनांक को लेकर स्पेसिफिक नहीं है। उसके बारे में हम लोग सभी आगे जो और सरकमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं, अन्य भी चीज़ें, उससे हम लोग मिलान करके दिनांक भी स्पेसिफिक कर लेंगे। आपको बता दें कि आरोपी सोनू ने अपने परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद मजदूरों से पानी की टंकी बनाने का कहकर गड्ढा खुदवाया था। उसके बाद लाश को वहां पर दफन करके बड़े ही आराम से उसी घर में रह रहा था। आरोपी सोनू और उसके दोस्त ने दृश्यम फिल्म के जैसे ही लाशों को गायब करने की प्लानिंग की, लेकिन उनकी ये प्लानिंग फेल हो गई। पुलिस की पूछताछ में सोनू इस हत्याकांड की जिम्मेदारी अपनी पहली बीवी पर डालता नजर आया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सोनू अपनी पहली पत्नी नगमा को भी मारने की फिराक में था, क्योंकि नगमा ने साल 2012 में तलाक होने के बाद भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस कर रखा है। नगमा से अलग होने के बाद ही सोनू 2014 से निशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस दौरान एक बेटा और एक बेटी भी हुई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ महीनों से निशा और सोनू के बीच झगड़ा हो रहा था। हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। इसी गुस्से में आकर सोनू ने कुल्हाड़ी से काटकर अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी। सोनू के घर के आसपास कोई भी मकान नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर सोनू ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सोनू अपनी पहली बीवी नगमा की भी हत्या करना चाहता था, इसके बाद वो सरेंडर कर देता। वहीं सोनू के साथ रहने की वजह से निशा के परिवार ने उससे रिश्ता खत्म कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।